Hello everyone, I am Sonal and welcome to M.B.U. So students, आज आप इस thumbnail को देख के ही इस video के ऊपर आप आए हो, इस video को देख रहे हो. तो thumbnail के ऊपर क्या लिखी थी बात है, B.sc. part-3 की exam की date release हो गई है. तो जितने भी बच्चे हमारे B.sc. part-3 में पढ़ रहे हैं और इसी साल 2021 में वो exam देंगे, तो उन सभी बच्चों में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो जाए और हम सजेशंस के भी ऊपर बात करेंगे. सजेशंस कैसे मिलेंगे इस वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं, कैसे मिलेगी आपको सजेशंस. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी हमारे जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन तक ये हमारी वीडियो पहुँच जाए, ठीक है. और सजेशंस आपको तभी मिलेंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर भी करें. तो इस वीडियो में सजेशन से पहले जो डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जो हमारे B.sc. part-3 वाले बच्चों के लिए जो तीन डेट्स इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, उसके ऊपर पहले हम डिस्कस करेंगे. तीन डेट्स क्यों मैंने कहा, क्योंकि आपके जूलॉजी ऑनर्स में तीन ऑनर्स पेपर होंगे, ठीक है. तो जूलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए तीन डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. तीन डेट्स मैंने क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे तीन ऑनर्स पेपर्स हैं आपके, ठीक है. तीनों ऑनर्स पेपर थियोरी पेपर्स हैं जो कि आपको एग्जाम के सेंटर पे जाके देना होगा. तो डेट्स भागलपुर यूनिवर्सिटी ने रिलीज कर दी है, उन्हीं डेट्स को आप मेरे साइड में देख सकते हो कि किस तरह से डेट्स हैं यहाँ पे. जूलॉजी के जो स्टूडेंट्स नहीं भी है वो भी अपने डेट्स को देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है. और स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है. अब आते हैं जूलॉजी के जो तीन डेट्स है, जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, वो कौन कौन से डेट्स है. सबसे पहले तो आपके तीन ऑनर्स पेपर हैं, पेपर 5, पेपर 6 एंड पेपर 7 जूलॉजी के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है. ये तीनों ऑनर्स पेपर थियोरी पेपर्स है जिसमें आपको लिखना होता है क्वेश्चन आंसर, ठीक है, आंसर शीट पे, ओके. चौथा ऑनर्स पेपर जो है आपका, यानी कि पेपर 8 क्या है, प्रैक्टिकल तो आपके कॉलेज अलग से इसके डेट्स निकालते हैं, बट जो पहले आपके तीन थियोरी पेपर्स है उसकी डेट्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं, ठीक है. तो जो आपके तीन इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, तो ग्रुप सी वाले कौन कौन हैं, जूलॉजी वाले हैं, बॉटनी वाले हैं, ठीक है. तो जूलॉजी वाले अपने डेट्स कैसे चेक करेंगे, इस डेट सेट में आपका है ग्रुप सी, ठीक है. जहां जहां पे ग्रुप सी लिखा होगा वहां पे आपके एग्जाम है, ठीक है. तो ग्रुप सी में बॉटनी वाले भी हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हम जूलॉजी के लिए डिस्कस करेंगे, ओके. जूलॉजी में आपके तीन ऑनर्स पेपर है और ग्रुप सी वाले बेसिकली आई एम डिनोटिंग जूलॉजी ऑनर्स. तो जूलॉजी ऑनर्स का क्या है, 21 दिसंबर 2021 को उनका एग्जाम है, पेपर 5 होगा इस दिन, ठीक है. पेपर 5 आपका कब है, देखो यहाँ पे दो शिफ्ट है, एक फर्स्ट शिफ्ट है, एक सेकंड शिफ्ट है. फर्स्ट शिफ्ट क्या है, 9 से सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक एग्जाम होंगे, ठीक है. और सेकेंड शिफ्ट क्या है आपका, 1 बजे से लेके 4 बजे तक आपको एग्जाम देना है, ठीक है. तो 2021 21 दिसंबर याद रह जाएगा आपको, और आपका फर्स्ट शिफ्ट है, ओके. यानी कि 9 बजे से पहले आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है, इज दैट क्लियर. दूसरी डेट क्या है, तो दूसरी डेट आपकी पड़ गई नए साल में 2022 में. 2022 में कब होगी, 6 जनवरी 2022 में इस दिन आपका सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, पेपर 6 का सेकेंड शिफ्ट. यानी कि 1 बजे से पहले आपको अपने सेंटर पे पहुंच जाना है और 1 बजे से लेके 4 बजे तक आपके एग्जाम्स होंगे, ठीक है. तो इस दिन आपका होगा कौन सा पेपर, पेपर 6, इज दैट क्लियर टू यू. और तीसरी इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है, 12 जनवरी 2022 आपके फर्स्ट शिफ्ट में, यानी कि सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आपको एग्जाम देना है. इस दिन आपका पेपर 7 होगा, कौन सा पेपर होगा, पेपर 7, इज दैट क्लियर. तो तीनों डेट्स मैंने जूलॉजी ऑनर्स वाले के लिए बता दिए हैं, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, जूलॉजी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब हम बात कर लेते हैं इनके सजेशंस के ऊपर. सजेशंस आपको तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी की सजेशन इस बार पार्ट 3 में क्या आने वाला है, ये आज हम अभी डिस्कस कर लेते हैं. देखो, इससे पहले भी हमने आपको हमेशा अवेयर किया कि हाँ बैच आ चुकी है, आप लोग ज्वाइन कर लो. बट जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है उनकी तैयारी तो बहुत अच्छी चल गई है, वो बाकी बच्चों से डेफिनेटली आगे होंगे. बट हाँ, जिन बच्चों की तैयारी नहीं हुई है और जिन लोगों को डर लग रहा है कि B.sc. part-3 का एग्जाम है, part-3 वाकई बहुत
टफ टॉपिक्स भी होते हैं उसमें, और आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना भी पड़ता है, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन अब तो टाइम रहा नहीं, 11-12 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम्स में, तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक ही चीज कर सकते हैं, वो है आपके लिए सजेशंस ला सकते हैं। लेकिन हाँ, सजेशंस में एक प्रॉब्लम है कि इस बार हम जैसे बाकी पार्ट वन पार्ट टू के सजेशंस हम फ्री में दे देते थे, यूट्यूब के ऊपर हम रिलीज कर देते थे फ्री में, तो इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बीएससी पार्ट थर्ड है, कोई खेल नहीं है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, चाहे वो जूनियर भी हो, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जब भी बैच आए आप टाइम पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सजेशंस का, खास करके बीएससी पार्ट थर्ड के सजेशन, हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं देने वाले हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाकी पहले भी मैं बता चुकी हूँ, इस पे प्रॉब्लम पहले भी हुई थी, क्योंकि बाकी सारे लोग क्या करते हैं, हम तो सजेशन फ्री में दे देते हैं, हमारे ही सजेशन को वो लोग कॉपी पेस्ट करके बाकियों को सेल कर देते हैं, और भागलपुर यूनिवर्सिटी वाले को सेल करे तो करे, बाकी यूनिवर्सिटी की भी जब एग्जाम होती है तो यही सजेशंस वो जाके इसमें सेल कर देते हो। तो और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मैसेज भी कर रहे थे, जब मैं बैच रिलीज करती हूँ तब तक बहुत कम बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन जाती है कि बैच आ चुका है, ज्वाइन कर ले। लेकिन अब क्या है, सारे बच्चे मुझे मैसेज करने में लगे हैं कि सजेशंस दे दीजिए मैम, सजेशन दे दीजिए। तो सजेशन भी बेटा फ्री में नहीं मिलने वाली है, ठीक है। ये पार्ट थर्ड है, कोई खेल नहीं है। तो पार्ट थर्ड के सजेशंस आपको मिलेंगे कैसे? जितने भी स्टूडेंट्स को चाहिए बीएससी पार्ट थर्ड का सजेशन, वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर ले, व्हाट्सएप कर लें, ठीक है। स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, तो आपको व्हाट्सएप कर देना या फिर कॉल कर लो, ठीक है। कॉल करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप गूगल पे, फोन पे, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए आप कोई भी ऐप यूज करते हो फोन पे वगैरह से, तो आपको इस मेरे नंबर पे 450 का पेमेंट करना है, तभी आपको सजेशंस मिलेंगी। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो हमारी टीम मेहनत करती है, हम मेहनत करते हैं आपके लिए, और हमारे मेहनत आपको दिखती ही है बीएससी पार्ट वन पार्ट टू में, खास करके मुंगेर और भागलपुर यूनिवर्सिटी के। हम लगातार गेस्ट क्वेश्चन देते हैं, रिलीज करते हैं आपके सजेशंस, रिलीज करते हैं, और वो अक्सर 100% आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में दिखते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। तो जिन लोगों को भी मेरे ऊपर भरोसा है, जिन लोगों को हमारे चैनल पे विश्वास है, तो वो पेमेंट करके ले लेंगे, क्योंकि ये बैच मैंने उन बच्चों के लिए रखी थी जो बीएससी पार्ट थर्ड में है, वो लोग पैसे दे के पढ़ रहे हैं मुझसे, ठीक है। तो मैं आपको सजेशंस फ्री में कैसे दे दूं? और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि सारे फ्रॉड मिलके सेल करते हैं मेरे ही सजेशंस को, ठीक है। हमारी टीम की मेहनत तो पानी में चली जाती है, तो इसीलिए इस सजेशंस को हम लोग इसी रूप में हम लोग दे रहे हैं कि आप पहले पेमेंट करो, उसके बाद आपको सजेशंस मिल जाएगी पीडीएफ के फॉर्म में। इज दैट क्लियर? इसमें आंसर नहीं होंगे ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मैं पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देने का मतलब है कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ सिंपली, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सर्टेनिटी नहीं होती है, श्योरिटी नहीं होती है कि कौन से आ जाएंगे, और मैं इतनी भी अंतर्यामी हूं नहीं कि मैं जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दे दूं वो एग्जाम में आएगा ही, क्योंकि बाद में फिर आप लोग मुझे ही पॉइंट आउट करोगे। तो पहले से ही मैं बता रही हूँ कि आपको जो सजेशंस मिलेंगे, जो पीडीएफ आपको सजेशन वाली मिलेगी, वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की मिलेगी, ठीक है। क्योंकि उसमें सर्टेनिटी होती है, कोई भी बंदा धरती का नहीं दे सकता मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे ही आपको, ठीक है। सजेशंस में देने का मतलब है कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में, जिनको भी चाहिए, जिनको लग रहा है कि मेरी तैयारी नहीं हुई है, 10-12 दिन में क्या कर पाएंगे, तो 10-12 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपको ज्यादा क्वेश्चन तो लिखने नहीं है, आपको मुश्किल से 5 क्वेश्चन लिख के आने, उसमें से भी एक आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आपको अब कैसे करना है कि आप पे निर्भर करता है, लेकिन हाँ मैं आपको सजेशंस क्वेश्चन के रूप में दे दूंगी तीनों ही पेपर्स के, पेपर 5, पेपर 6 एंड पेपर 7। 450 ये अमाउंट ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। जिसको भी थोड़ा सा भी डर लग रहा है तो वो सजेशंस ले सकते हैं, ठीक है। और हमारे सजेशंस कितने एक्यूरेट होते हैं वो आप सभी को पता है। TMBU और मुंगेर यूनिवर्सिटी वाले तो बिल्कुल नहीं बोल सकते कि हमारे सजेशंस में कोई कमी है, बाकी यूनिवर्सिटी के भी हमने सजेशंस दिए तो वो भी 100% एक्यूरेट रहे, क्योंकि हमने सबसे पहले TMBU और मुंगेर यूनिवर्सिटी की ही सजेशंस देना स्टार्ट किया था इस चैनल पे। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू बीएससी पार्ट थर्ड बार बार नहीं आने वाली है,
एक बार आपका एग्जाम अच्छा चला गया देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से अच्छे मार्क्स लेके आप ग्रेजुएट हो सकते हो. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इस तरह से आपको सजेशंस मिल जाएंगे. जिनको भी नहीं समझ में आई कोई भी प्रॉब्लम हो तो अभी आप कॉल करके इस नंबर पे आप पूछ सकते हो आपकी स्क्रीन पे चल रहे. ओके, सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू, मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में. ओके, और जितने भी बच्चों का बीएससी पार्ट 3 का एग्जाम है उनको बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से. ठीक है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, प्रेशर नहीं लेना है. जिन लोगों ने सजेशंस नहीं भी लिया तो कोई इशू नहीं है, आप लोड मत लो. आपको क्या करना है, जो चीजें आपने पूरे साल पढ़ी उन्हीं चीजों को आप रिवाइज करो. ठीक है, 10-12 दिन है, आप जरूर कुछ कर सकते हो. और 5 क्वेश्चन ही तो लिख के आने हैं आपको, वो भी अगर हमसे सजेशंस ले लेते हो तो वो भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब कुछ कि क्या आने वाला है. ओके, सो ज्यादा नहीं बोलूंगी, देख लेना आप. ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में.